नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्लम्बर माइंड। मैं आपका दोस्त अर्जुन, और आज हम इस सिंक के जो ऊपर हॉट एंड कोल्ड पॉइंट लगाए हैं वो कुछ आउट है, तो इनको हम सेंटर में करेंगे। तो यहाँ पे सामने दीवार पे आपने 5 पॉइंट देख रखे हैं, जिसमें 2 हैं गीजर के, 1 आर ओ का, और 2 नीचे वाले पॉइंट हैं जो हॉट एंड कोल्ड के। सिंक के सेंटर होल से इनका जो सेंटर है वो आउट है, इसको हम कैसे प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंची टेप की हेल्प से सिंक की जो चौड़ाई है वो नापेंगे। चौड़ाई इसके अंदर जितनी भी होगी वो आपको इसी तरह से नाप लेनी है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई 23 इंच आ रही है, तो इसका हाफ जो सेंटर होगा वो 11.5 इंच होगा। तो अब हमें स्लैब की जो धार है जहाँ से स्टार्ट हुआ है और सिंक के एक तरफ से देखना होगा कितनी चौड़ाई, वो है 6.5 प्लस 11.5, तो इस तरह से 17 के करीब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 17 इंची यहाँ पे सेंटर करना होगा। बीच की दूरी क्या, 17 के बाद में हमें दोनों तरफ 3.5 इंच ये जो ब्रास बैंड है हमारे, इनका सेंटर करना है। यानी दोनों ब्रास बैंड, ये जो टी और बैंड लगा हुआ है एल्बो, इनके बीच की दूरी 6.5 इंच रखनी है हमें, ताकि कल को अगर कस्टमर जो है बेसिन मिक्सर यहाँ पे लगाना चाहे तो भी इजीली लग जाए, अदरवाइज यहाँ पे टैप भी वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर लिया था 17 इंच का इसका सिंक का, उस सेंटर से हमें दोनों तरफ 3.5 इंच के 2 मार्का कर लेने। मार्का आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें रीचेक कर लेना है, 6.5 इंच यहाँ पे बन रहा है। और इसकी हाइट जो हम रखेंगे ब्रास एल्बो की, वो सेंटर की हाइट रहेगी स्लेब से 8 इंच पे, जो कि हम यहाँ पे मार्का कर दे रहे हैं 8 इंच का। अब हमें ये पाइप कट करने हैं, कट करने के बाद में इसे जोड़ देना है। तो जोड़ने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है जो कि आप देख रहे हैं। इस वीडियो के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे कट करने के लिए जो हमने 8 इंची इसकी हाइट रखी है, तो इंची टेप से अगर आप नाप के करना चाहते हैं तो 8.5 इंच पे इसको कट कर लें, ताकि आधा इंच जो है सेंटर में आ जाए। अदरवाइज आप कोई भी प्लेन एल्बो लेके उससे निशान लगा करके उससे भी आप मार्का लेके कट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो 8 इंच है वो ब्रास एल्बो के सेंटर में आना चाहिए। हमने यहाँ पे इंची टेप की हेल्प से 8.5 पे मार्का करा है, और प्लेन एल्बो की हेल्प से भी हमने मार्का करके आपको दिखा दिया है। तो ये अभी हमने ये जो पाइप है जिसमें ब्रास टी लगा हुआ है, जो कि कोल्ड पॉइंट है, इसमें आपको एक समस्या आएगी। जब इस टुकड़े को आप काट के निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे जैसे ना, तो यहाँ पे यूनियन लग सकती है, और सॉकेट लगाने का तरीका है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। ग्राइंडर की हेल्प से यहाँ से आप काट सकते हैं दोनों पाइप को एक समान की हाइट से, ताकि 8 इंच आपका जो सेंटर है वो बना रहे। ग्राइंडर की हेल्प से ऊपर और टी के नीचे वाले हिस्से से काट के इस टी को अलग कर देंगे। ये टी जो है हमारी वैसे जो सकते वैसे इसलिए हुई है क्योंकि जब हमने इसको पहले फिटिंग करी थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेंटर होल था वो सेंटर में आना चाहिए था, लेकिन कस्टमर की रिक्वायर के अकॉर्डिंग स्लेब जो है अपनी जो मेन जगह पहले थी उससे थोड़ा साइड में हट गया, इस वजह से इसका सेंटर होल जो है आउट हो गया है। तो यहाँ पे ब्रास एल्बो को हमने अलग किया था, उसी को हम दोबारा यहाँ पे रीयूज करेंगे, क्योंकि मटेरियल को दोबारा से यूज भी करना होता है ताकि वेस्टेज कम से कम जाए। तो इसमें हमने क्या किया है, करीब करीब 1.25 इंच का टुकड़ा हमने पाइप का इसका रख लिया है जो पहले से जुड़ा हुआ था, ताकि टी जो है यहाँ पे प्लेन टी आसानी से आ सके। ये 1.25 इंच की टी है, 1.25 इंच की जो टी है इसमें हम सॉल्वेंट लगाएंगे, प्लस साथ में जो ब्रास एल्बो था उसको भी सॉल्वेंट लगा के इसके अंदर जोड़ देंगे। तो जोड़ना आसान है, आप सभी जानते हैं सॉल्वेंट लगाना है दोनों पार्ट्स के साथ में, और इसको अच्छे से डाल के थोड़ा सा लेफ्ट और राइट टर्न कर देना है, और 90° का एंगल जो है आप अपनी आंखों से या फिर आपका कोई भी अनुमान हो उस अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा इस ब्रास एल्बो का सेंटर 8 इंच शुरुआत में होना चाहिए। अब जो कोल्ड पॉइंट था उसमें हम इस टी का एक हिस्सा जो है ऊपर वाला
वो सॉल्वेंट के साथ में चिपका देंगे। कई बार क्या है, ऐसे काम बहुत ही जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, जिस वजह से आप इसमें तोड़फोड़ ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा यहाँ पे दूरी होती, ये मिनिमम दूरी है यहाँ, यानी कि टी के साथ में ब्रास एल्बो है, परमानेंट फिक्स हो चुका है बिना किसी गैप के। अगर यहाँ पे गैप होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से कर लेते। यहाँ पे हमने ब्रास एल्बो और टी जो जुड़ी हुई थी उसको हमने कोल्ड पाइप के साथ में जोड़ दिया है। अब हम एक सॉकेट लेंगे और किसी भी धारदार चीज़ से, या तो आरी हो या फिर नाइफ हो, उस वजह उससे ये जो इसके बीच में सॉकेट के जो ठोकर बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे पाइप जाके रुक जाते हैं, इसको हम काट देंगे। तो हमने एक इंच के आरी के टुकड़े को धार बना करके चाकू जैसा बना लिया है, तो उसी से हम इस जो इसके अंदर जो ठोकर बनी हुई है जिस पे पाइप रुक जाता है लास्ट में जाके दोनों तरफ से, तो उसको हम काट के अलग कर देंगे, यानी उसको कुरेद कुरेद के हटा देंगे ताकि पाइप इसमें आर पार हो सके। अगर ये टाइट है तो थोड़ा इसको और मतलब आप घिस सकते हैं, या तो पेपर से या फिर इसी नाइफ से, ताकि आसानी से थोड़ा ही अंदर तक फिट हो सके। ये देखिए पाइप इसमें आर पार निकल रहा है, तो पाइप आर पार निकलने का मतलब ये हो गया कि ये जो आप टुकड़ा जोड़ेंगे, पहले आप सॉल्वेंट की हेल्प से टी के साथ में जोड़ देंगे। सॉल्वेंट आपको अच्छा लगाना है, सॉल्वेंट में कोई कमी ना रहे, अदरवाइज लीकेज के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हमने टी में और इस पाइप में सॉल्वेंट लगाया और इसको हमने इसके अंदर पुश कर दिया। अब आप देखेंगे दोनों पाइप के बीच में 1 से 1.5 mm की जगह बची हुई है, नीचे जो पाइप है और जो हमने टी में जोड़ा है उसमें 1 से 1.5 mm की जगह बची हुई है। अब जो हमने सॉकेट को कट किया था, उसके अंदर की जो कॉलर थी उसको जो हमने कट किया था, उसको उस सॉकेट में हम अच्छे से सॉल्वेंट लगाएंगे। कम नहीं लगाना है यहाँ पे, बहुत सारा लगाना है। अगर सॉल्वेंट टपक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेस्टेज होगा, लेकिन हमें जॉइंट जो है प्रॉपर करना है। तो हम इन दोनों पाइपों को सॉल्वेंट से अच्छे से भिगो देंगे। इसी के साथ साथ सॉकेट के अंदर भी बहुत सारा सॉल्वेंट हमें लगा लेना है, और फुर्ती के साथ में एक पाइप में हम पूरा सॉकेट डालेंगे और दोनों पाइप को मिला के सॉकेट को सेंटर में कर देंगे, यानी दोनों पाइप को हाफ हाफ इस सॉकेट के साथ में हम अटैच कर देंगे। तो ये काम इतनी आसानी से हो गया, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे बहुत लंबी इसकी कटिंग करनी होती और पाइप को थोड़ा बेंड करके इसमें फंसाना होता, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, ये हमने डायरेक्टली एक सॉकेट के साथ ही कर दिया। दूसरा पॉइंट था, वहाँ पे हमें प्लेन एल्बो की हेल्प से पाइप का एक टुकड़ा जोड़ना है, और पाइप के टुकड़े की लंबाई हमें एक बार हॉट पॉइंट में प्लेन टी को प्लेन एल्बो को फंसा करके दोनों के बीच में 6.5 inch का सेंटर रख के उसका मार्का पाइप के ऊपर ले लेना है। तो इसी तरह से आप इसको मार्का कर लें, जो कि आप देख रहे हैं एल्बो के ब्रास एल्बो के सेंटर की सेंटर हमने 6.5 inch ये ले लिया है निशान। और यहाँ पीछे जो पाइप आप देख रहे हैं इस पे हम आरी की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा के उसको कट कर लेंगे। तो हमें ये टुकड़ा यहाँ से काट के अलग कर देना है। काम करने में मुश्किल नहीं है, आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार समझें, ताकि उनको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम से सामना करना पड़े तो वो आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो नाइफ की हेल्प से हमने इस पर जो भी कचरा था वो साफ़ कर दिया। इसी के साथ साथ सॉल्वेंट की हेल्प से एक ब्रास एल्बो हमें यहाँ पर लेना है, पाइप पे हमें सॉल्वेंट लगाना है और ब्रास एल्बो पे सॉल्वेंट लगा करके इसको अच्छे से चिपका देना है। और यहाँ पे आप 90° का जो एंगल बनता है ब्रास एल्बो का, ताकि हमारा जो नल या फिर मिक्सचर है वो एकदम सीधा सीधा लगे, तो वो या तो आप अनुमान से लगा सकते हैं या फिर आप दीवार के ऊपर इसको रख करके फिर भी सेट कर सकते हैं। तो इस पर भी मैं पर्टिकुलर आपको एक वीडियो दे दूँगा, ताकि आपको सारी जो जानकारियाँ हैं आसानी से उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर हमारा 6.5 inch बन रहा है। अगर 1-2 mm इधर उधर है तो उसको आप पाइप को लेफ्ट या राइट करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम इस प्लेन एल्बो को और जो हॉट वाला पॉइंट है पाइप का, इसी के साथ में हम इसको जोड़ के फिक्स कर देते हैं।
होल बैंड पाइप और एल्बो में दोनों में लगा दिया हमने, और इसको हम इसमें फिट कर देते हैं ताकि आसानी से ये यहाँ पे आ सके। जो आप दीवार की कटिंग कर रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा में ही रखें ताकि ब्रास एल्बो जो है कहीं पे टकराए नहीं। ये हमने इसको फिक्स कर दिया है। दोनों की दूरी हम नाप लेंगे, इन दोनों की हाइट हम स्लैब से नाप लेंगे। दूरी हमने आपको पहले ही बता दिया है, सेंटर टू सेंटर 6.5 इंची दोनों ब्रास एल्बो की, और हाइट हमने बता दिया स्लैब से 8 इंची वो भी इन ब्रास एल्बो के सेंटर पॉइंट से। सेंटर में देखेंगे आप 8 इंच यहाँ पर, ये देख लीजिए 8 इंच यहाँ पे ब्रास एल्बो का सेंटर आ रहा है, और 8 इंच यहाँ पे थर्ड पॉइंट के ब्रास एल्बो का सेंटर आ रहा है। अगर सेंटर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप इसको ऊपर नीचे करके भी बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। और सेंटर टू सेंटर इन दोनों की जो है प्रॉपर दूरी है वो है 6.5 इंच। ये आप रीचेक जरूर कर लें जब भी इसे फिक्स करें। फिक्स करने से पहले दोनों पॉइंट को आप रीचेक कर लें। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर 2 गीज़र के पॉइंट है, फिर आरओ का पॉइंट है, और नीचे हमने जो पॉइंट अभी ट्रांसफ़र किए हैं वो सिंक के होल के दोनों तरफ आ रहे हैं, यानी कि सिंक का होल सेंटर में है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हॉट एंड कोल्ड का पॉइंट बन चुका है।